हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वे टू सक्सेस एचपी। टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन 4 ऑफ साइंस। द नेम ऑफ द लेसन इज प्लांट लाइफ। आज हम पेड़ों की जीवन के बारे में बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मींस पोषण। All organism need food to live and grow। कहते सारे जीवों को जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत होती है। The food we eat provide us with energy to carry out the various body functions। कहते जो food है वो हमें प्रदान करता है energy body के शरीर के बहुत से काम करने के लिए। एनर्जी मीन्स ताकत, प्रोवाइड्स मीन्स प्रदान करता है, फंक्शंस हमारी क्रिया काम हमारे बॉडी मीन्स शरीर के। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कहते जो द प्रोसेस, प्रोसेस मीन्स क्रिया, क्रिया जो प्रोवाइडिंग करने की, प्रदान करने की, या फिर ऑब्टेनिंग, ऑब्टेनिंग मीन्स बनाना किसी चीज को, फूड, ठीक है, फूड प्रदान, भोजन प्रदान करने की या भोजन बनाने की जो क्रिया है एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एक जीव के द्वारा, ठीक है, फॉर ग्रोथ, ठीक है, उसकी बढ़ावे के लिए या फिर डेवलपमेंट, उसके विकास के लिए, और एंड मीन्स और टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज। वाइटल होती है महत्वपूर्ण एक्टिविटीज, प्रतिक्रिया, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कहते जो क्रिया भोजन बनाने की या फिर प्रदान करने की क्रिया है एक जीव की, उसके ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, या फिर उसकी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज को करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड होता है तरीका, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते पोषण का तरीका, मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कहते मे बी मीन्स हो सकता है, शायद हो सकता है, डिफरेंट मीन्स अलग, टाइप मीन्स प्रकार का, अलग प्रकार का हो सकता है, इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कहते अलग प्रकार के जीवों में ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है, मीन्स सारे जीवों में ये जो तरीका है पोषण का, ठीक है, वो अलग अलग होता है अलग अलग जीवों में। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड दे टेक, कहते ये डिपेंड करता है, कहते ये निर्भर करता है, डिपेंडिंग मतलब, डिपेंड करना मतलब निर्भर करना किसी चीज पे, कहते निर्भर करता है टाइप ऑफ फूड, कहते भोजन के प्रकार पर, दे टेक, कहते जिस तरह का वो भोजन लेते हैं, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है ये चीज। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम द अदर एनिमल सोर्सेज। कहते जो एनिमल है, जानवर है, वो अपना फूड है जो वो प्लांट्स से लेते हैं, पेड़ों से लेते हैं, एंड फ्रॉम अदर एनिमल सोर्सेज, या फिर और तरह के जो जानवरों के स्रोत है, ठीक है, उनसे लेते हैं। प्लांट्स पेड़ ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड बात करें, मेक देयर ऑन फूड। कहते जो पेड़ हैं वो अपना जो भोजन है वो खुद तैयार करते हैं। जो जानवर होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे और एनिमल, अदर एनिमल सोर्सेज पे, ठीक है, भोजन के लिए, और जो प्लांट्स हैं वो क्या है, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। तो अब इसको थोड़ा हम रिवाइज करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है जीवों के लिए जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए, उनके विकास के लिए भोजन जरूरी है, ठीक है, ये जो भोजन होता है उन्हें, जीवों को एनर्जी प्रोवाइड करता है अपने शरीर की क्रिया करने के लिए, ठीक है। तो जो क्रिया होती है
भोजन बनाने की या प्रदान करने की, ठीक है, एनिमल्स के ग्रोथ, एनिमल्स की ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, मीन्स उसके बढ़ावे के लिए, उनके विकास के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, ठीक है। जो क्रिया होती है फूड प्रोवाइड करने की, प्रदान करने की या बनाने की, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इसमें बात की गई है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए पेड़ों पे निर्भर होते हैं या फिर अदर एनिमल सोर्स, अलग जो जानवरों के और स्रोत होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं, और प्लांट्स अपना जो भोजन है वो खुद तैयार करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरमेंट। कहते जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी पोषण का एक प्रकार है, एक टाइप है। ऑटो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन का एक प्रकार है। इन विच कहते जिसमें ऑर्गेनिजम्स, कहते जो जीव होते हैं, मेक देयर ऑन फूड, कहते अपना भोजन बनाते हैं, फ्रॉम किससे बनाते हैं, फ्रॉम से किनसे बनाते हैं, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इन ऑर्गेनिक होते हैं जो लिविंग थिंग्स से नहीं बनते, ठीक है, जो मीन्स इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मीन्स जो पदार्थ किसी भी सजीवों से प्राप्त नहीं होते, किसी भी लिविंग थिंग्स से प्राप्त नहीं होते, फ्रॉम इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरमेंट। कहते उन इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, अजीव पदार्थों से बनाते हैं जो एनवायरमेंट से, हमें वातावरण से प्राप्त होते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स, कहते ये जीव आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, इन जीवों को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। यो जो जीव इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना भोजन तैयार करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। द वर्ड ऑटोट्रॉफ इज मेड अप ऑफ ऑटो, कहते जो वर्ड है ऑटोट्रॉफ इज मेड, मेड मीन्स बना है, ऑफ ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ मीन्स अपने आप, ठीक है, ऑटो का मीनिंग क्या है, सेल्फ, सेल्फ मीन्स अपने आप, एंड ट्रॉप्स, ट्रॉप्स मीनिंग फीड, फीड मीन्स भोजन, अपने आप भोजन बनाना, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, कहते जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो ऑटोट्रॉफिक जीव है, ठीक है, उनको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, दे आर द सोर्स ऑफ फूड, कहते क्योंकि वो सोर्स मीन्स स्रोत हैं, फूड मीन्स भोजन के, ठीक है, फॉर ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, कहते क्योंकि वो भोजन का स्रोत है दूसरे जीवों के लिए। ऑल ग्रीन प्लांट्स, कहते सारे, ऑल मीन्स सारे ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, एंड सम बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस ग्रुप, कहते और सारे ग्रीन प्लांट्स और जीवाणु, बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, बिलोंग टू दिस ग्रुप, ये सारे इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड थ्रू अ मल्टी स्टेप प्रोसेस ऑल कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, कहते हैं जो प्लांट्स हैं वो मैन्युफैक्चर तैयार करते हैं फूड भोजन थ्रू, किसके द्वारा, अ मल्टी स्टेप प्रोसेस के, मल्टी स्टेप क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, और उस क्रिया को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आगे इस टॉपिक को डिफाइन करते हैं, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कहते हैं फोटोसिंथेसिस ये क्या है, प्रोसेस है जो
यूज करती है एनर्जी ऑफ सनलाइट, कितना सनलाइट की एनर्जी को यूज करती है कन्वर्ट करने के लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने के लिए और ऑक्सीजन में बदलने के लिए। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलती है, ठीक है। द रिएक्शन कैन बी समड अप इन द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन, कहती है जो नीचे वर्ड इक्वेशन दिया गया है इसमें इसको रिएक्शन को समड कर सकती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल से क्या बन गया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की बेसिक आम जो रिक्वायरमेंट्स है जरूरती है वो क्या है। फोर, फोटोसिंथेसिस टू ऑकर प्लांट्स रिक्वायर द फॉलोइंग, प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें प्लांट्स रिक्वायर्ड, प्लांट्स को क्या रिक्वायर्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कहते ये एक रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है। रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल। इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बन, कहती है कार्बन का स्रोत है जो नेसेसरी होता है ग्लूकोज बनाने के लिए। द गैस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, कहते जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमोस्फियर में वातावरण में हमारे में शामिल होती है। इट इज टेकन इन बाय प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा, कहते ये ली जाती है प्लांट्स में, कहते थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू इसको लिया जाता है। नेक्स्ट है वाटर, ओनली 1% ऑफ द वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, कहते केवल 1% है जो पानी का एब्सॉर्ब्ड, ठीक है, सोखा जाता है रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, कहते यूटिलाइज मींस प्रयोग किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में। द रेस्ट इज लॉस्ट, रेस्ट मींस जो बच गया है इज लॉस्ट, वो उड़ जाता है बाय ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन जैसे बाफ बन के वो उड़ जाता है। वाटर ऑल्सो सर्व एज ए, कहते वाटर जो पानी है वो सर्व करता है एज अ किस किस मान, अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मीन्स विलायक फॉर ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स, परिवहन के लिए मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ के विद इन द प्लांट बॉडी, पौधे के पेड़ के शरीर में। वाटर एब्सॉर्बड बाय द रूट्स एयर, कहते जो एब्सॉर्ब मीन्स सोखना, ठीक है, रूट्स एयर जो रूट के जो छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, रूट के अंदर, ठीक है, उसके द्वारा जो पानी सोखा गया होता है रीच द जाइलम इन रूट्स, कहते पहुंचता है, रीचेस मीन्स पहुंचता है इस जाइलम इन रूट्स, जाइलम में रूट्स के अंदर, फ्रॉम वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड अप द स्टीम जाइलम, कहते वहां पे ये ट्रांसपोर्टेड आगे भेजा जाता है स्टीम जाइलम तक एंड फर्दर टू द लीव्स, और आगे लीव तक पहुंचाया जाता है इसको। द एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ वेन एंड ओवेनलेट्स इन लीव अलाउ वाटर टू रीच द लीव सेल इफिशियंटली, कहते जो एक्सटेंसिव बहुत बड़ा सिस्टम है ये जो ऑफ वेन्स, वेन्स में नसों का, और एंड वेनलेट्स इन लीव्स जो छोटी छोटी आगे नसें होती हैं पत्तों में, अलाउ वाटर ये अलाउ करते हैं वाटर को, पानी को, टू रीच द लीव सेल्स इफिशियंटली, पहुंचने के लिए पत्तों के सेल्स तक कुशलता से। आज के लिए इतना काफी है, कल हम इस लेसन को आगे करेंगे।